नमस्कार एबे आसंतु खबर अभियान को आगू बढ़ावा। महाराष्ट्र राजनीति में नुआ ट्विस्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थन में गठन होइछि सिंदे सरकार। मुख्यमंत्री होइछंती शिवसेना नेता एकनाथ सिंदे। राज्यपाल को भेटा पर नुआ मुख्यमंत्री सिंदे ना घोषणा करते देवेन्द्र फडणवीस। मुख्यमंत्री पद पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को कृतज्ञता जनाइछंती सिंदे। से कहते बीजेपी दिल बड़ मजबूत सरकार सहित राज्यर विकास को प्राथमिकता देवे प्रतिश्रुति सिंदे। सेपटे उद्धव सरकार पतन रो मुख्य खेलाड़ी देवेन्द्र फडणवीस बड़ सैक्रिफाइस करी। देवेन्द्र कहते सत्ता नुहे हिंदुत्व बड़। महाराष्ट्र राजनीति रे बड़ परिवर्तन। उद्धव ठाकरे आउट, एकनाथ सिंदे इन। बीजेपी खेलिला हिंदुत्व कार्ड, सिंदे सीएम। फडणवीस सैक्रिफाइस कहले सत्ता नुह हिंदुत्व बड़। महाराष्ट्र रे सिंदे सरकार। शिवसेना नेता एकनाथ सिंदे होती महाराष्ट्र नुआ मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में गठन हो शिवसेना विद्रोही सिंदे गोष्ठी एवं बीजेपी मेंट सरकार। या सहित गत 10 दिन धरी राज्य राजनीति में सृष्टि होता अचलावस्थार अवसान घटी। बुधवार सुप्रीमकोर्ट्रु शक्त धक्का पर मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देते उद्धव ठाकरे। गुरुवार सका नुआ सरकार गठन नहीं आरंभ हो जा प्रक्रिया। गोआर मुंबई आसी एकनाथ सिंदे। एपटे बीजेपी नेता देवेन्द्र फडणवीस चूड़ांत करते प्रस्तुति। देवेन्द्र फडणवीस एवं एकनाथ सिंदे अपराह्न राजभवन जा राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी को भेटी सरकार गठन पर दावी करते। बीजेपी और सिंदे समर्थक विधायकों तालिका हस्तगत हो सरकार गठन पर निमंत्रण करते राज्यपाल। पर गणमाध्यम को संबोधित करते फडणवीस और सिंदे। मुख्यमंत्री भाव सिंदे ना घोषणा करते फडणवीस। मुख्यमंत्री होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को कृतज्ञता जनई सिंदे। से कहते जे बीजेपी तांको बड़ दिल देखी तांको बड़ सुजोग देची। एकनाथ सिंदे जी के साथ शिवसेना जो है शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है। और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे लगातार। हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद जी के साथ ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंदे मुख्यमंत्री होता बेले मंत्रिमंडल दूरे रहा निष्पत्ति फडणवीस। एमबीए सरकार पतन में मुख्य भूमिका नहीं फडणवीस मुख्यमंत्री पद दान कर। फडणवीस कहते जे सत्ता नुह हिंदुत्व सपक्ष में सिंदे को समर्थन कर। फडणवीस और सिंदे गत 2.5 वर्षर एमबीए सरकार और भागवाड़ी एनसीपी और कांग्रेस को कड़ा समालोचना कर। शिवसेना को सुप्रीमकोर्ट्रु झटका मिलवा पर तत्क्षणात मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देते उद्धव ठाकरे। तेरे विद्रोही को सीधा प्रहार कर उद्धव। तांकर अवशोष जे जो मानक पदोन्नति आग को बढ़ाई से मैंने ही विश्वासघातकता कर। उद्धव एक्जिट पर दलर भविष्य आभिमुख्य स्पष्ट कर शिवसेना नेता संजय राउत। बाला साहेब उक्ति को कोर्ट कर से कहते आम सत्ता जन्म नहीं ना सत्ता आमपाई ही जन्म नहीं। शिवसेना पुणि थे अक्लांत परिश्रम कर दल को सशक्त करने सहित सत्ता को फेर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एकनाथ सिंदे हे मुख्यमंत्री। से भाई वर्तमान समय बड़ खबर आसू। महाराष्ट्र राजनीति में एक नाटकीय मोड़ देखा मिली और किसी समय पूर्व देवेन्द्र फडणवीस घोषणा करते एकनाथ सिंदे मुख्यमंत्री हे वर्तमान उपमुख्यमंत्री हे देवेन्द्र फडणवीस। वर्तमान समय बड़ खबर बीजेपी केन्द्रीय नेता अनुरोध को रक्षा कर देवेन्द्र फडणवीस। अर्थात देवेन्द्र फडणवीस को केन्द्रीय नेता अनुरोध करते उपमुख्यमंत्री भाव में दायित्व नेवाई। एवं वर्तमान समय बड़ खबर महाराष्ट्र आसूची कारण मुख्यमंत्री भाव में एकनाथ सिंदे दायित्व नेउथिबा बेले
उपमुख्यमंत्री भाव में देवेंद्र फडणवीस ने दायित्व पूर्व मुख्यमंत्री भाव में दायित्व तुलाई सारी देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान जो किसी दिन धरी अस्थिरता लगि रही चर्चा लगि रही आकलन कराला कि एकनाथ शिंदे समर्थन में बीजेपी सरकार गठन कर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो पारती किंतु से चर्चा आकलन और आलोचना फेल मारी किसी समय पूर्व देवेंद्र फडणवीस घोषणा करते कि महाराष्ट्र परवर्ती मुख्यमंत्री हे एकनाथ शिंदे अर्थात भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे समर्थन कर मुख्यमंत्री पद तांकु देव एवं वर्तमान समय बड़ खबर आसूँ केन्द्रीय नेता अनुरोध क्रमे उपमुख्यमंत्री हे देवेंद्र फडणवीस अर्थात आउ किसी समय पर शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम रही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भाव में दायित्व ने महाराष्ट्र परवर्ती उपमुख्यमंत्री भाव में दायित्व ने देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के विषय पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता का की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाले और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को। एवे आसंतु नजर पकाइबा एकनाथ शिंदे किए। एकनाथ शिंदे शिवसेनार जड़े टाणुआ नेता गत सरकार रे कैबिनेट मंत्री थिले से थानेरु विधायक अछंती एकनाथ थाने समेत अनेक स्थान में शिवसेना को मजबूत करिवारे तांकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही एकनाथ को प्रति लोकों प्रबल समर्थन रही शिवसेन बड़ कार्यक्रम आयोजन करार दायित्व रही 2014 अलग हो निर्वाचन लड़ी विरोधी दल नेता करा पुओ श्रीकांत शिंदे शिवसेनार सांसद भाई प्रकाश शिंदे काउनसिलर किसी दिन है एकनाथ को दल एकपाखिया कर दि जा चर्चा होता से एकनाथ नाराज और असंतुष्ट थे सबु राजनैतिक दल सहित एकनाथ को भल संपर्क शिवसेनार बहु विधायकों समर्थन एकनाथ को प्रति रही